एडजस्टमेंट बिहेवियर की वजह से हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जरा गौर देखिए, अगर आपने इस बॉडी के ऊपर एक एप्लीकेबल फोर्स लगाया एफ, ठीक, और एफ को इंक्रीज करते स्टार्ट कर दिया, एफ की वैल्यू को मैंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक, इसकी वजह से होगा क्या कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा। अच्छी बात है, ब्लॉक की सरफेस के ऊपर पीछे की तरफ, जमीन पे आगे की तरफ, दीवार पे इसके ऊपर। व्हेन एफ लेस देन एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने पहले बताया, तब F इज इक्वल टू F स्टैटिक और इसके बराबर F अप्लाइड के बराबर। When F greater than F limiting, friction become F kinetic, that is mu k into N. मुद्दा क्या है अब जरा समझिएगा। ये ब्लॉक रखा हुआ है, जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो इनके बीच में फ्रिक्शन लग भी सकता है, लग नहीं भी सकती है, कितनी वैल्यू होगी पता नहीं, डिपेंडेंट होगी प्रॉब्लम के ऊपर। तो इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप में एक एडजस्टेबल फोर्स है, ये वैल्यू एडजस्ट कर लेगा बाहरी फोर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी इसके ऊपर मान लो मैंने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 2 न्यूटन हो गई, अगर मैंने 3 न्यूटन लगाया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 3 न्यूटन हो गई, एंड सो ऑन इस तरीके से। लेकिन जैसे ही इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पहुंची दैट इज 10 न्यूटन, जैसे ही मैंने 10 न्यूटन को क्रॉस किया तुरंत के तुरंत ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक, और उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, काइनेटिक आ जाएगी, और दैट वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको स्लाइडिंग बोलो ज्यादा अच्छा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इनटू एन होती है, और एफ एस की वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर। लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है लिमिटिंग की, लिमिटिंग कितनी होती है, म्यू एस इनटू एन, तो चेक करना पड़ेगा ये भी, ठीक। जैसे एग्जांपल देखते हैं, करते हैं कुछ कुछ, अब स्टार्ट करते हैं। दो तरीके की फ्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन जीरो है, नहीं, टेंडेंसी टू मूव तो है, मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन जीरो थोड़ी है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब तक स्टेटिक है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तब तक हम उसको मान के चलेंगे एफ वेरिएबल, एफ वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है, वेरिएबल फोर्स एफ माना जाएगा। लेकिन जैसे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, दैट बिकम्स म्यू इंटू एन, कुछ नहीं करना, सीधे म्यू इंटू एन अप्लाई करके उसके हिसाब से निकालते। तो मोस्टली केसेस में हम म्यू इनटू एन लेके चलते रहेंगे, लेकिन शुरू में कंडीशनली चेक करना आना चाहिए। जरा देखते हैं एग्जांपल, बिल्कुल आसान आसान से चलाऊंगा, ध्यान रखते रहिएगा। 10 kg का है, म्यू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4 और म्यू काइनेटिक दे रखा है 0.3। इस पे फोर्स लगाया है एफ, ठीक, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 35 न्यूटन एंड 45 न्यूटन, ये 4 फोर्सेस ले लिए। अब तुरंत लिमिटिंग और काइनेटिक की वैल्यू निकाल लो, लिमिटिंग और समथिंग, तो लिमिटिंग की वैल्यू आ रही है एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू 0.4 इंटू एन की वैल्यू 10 g आएगी, 10 g दैट इक्वल्स टू 40 न्यूटन। F kinetic 0.3 into 10 g, that is 13. तो limiting भी निकाल ली और kinetic भी निकाल ली, ठीक, limiting friction भी kinetic friction। आज बच्चों थोड़ा मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको।
9 बजे के आसपास मुझे कहीं जाना है। ये चार फोर्सेस दे रखे। जब एफ की वैल्यू 20 न्यूटन होगी, अब देखो चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 30, 40, कितना इस बॉडी को अगर मूव करना है कितना फोर्स चाहिए कम से कम, 40 न्यूटन। तो जब 20 लगाया तब बॉडी नहीं चलेगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन है और 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, बॉडी मूव करेगी नहीं मूव करेगी, नो सर बॉडी मूव नहीं करेगी, तो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक ही होगा, 30 न्यूटन और 30 न्यूटन के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा वेरिएबल होता है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, उसकी वैल्यू म्यू इनटू एन नहीं होती, वो लिमिटिंग वैल्यू चेक करी जाती है बस। थर्ड केस, 35 न्यूटन बॉडी चलेगी, नो सर नहीं चलेगी, नो सर स्टैटिक फ्रिक्शन 35 न्यूटन, अब बॉडी चल देगी। चौथा केस, एफ इज इक्वल टू कौन सा होगा, 30 न्यूटन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी ना, क्यों, सॉरी वन नहीं आएगी, 45 माइनस 1.5 आएगी, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, यस सर, समझ में आ रहा होगा। Point friction and acceleration. 25 न्यूटन है, 53 डिग्री एंगल पे, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, सब आपको आता है, बस आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेक करने के लिए दोनों फ्रिक्शन चेक कर लिया जाता है, लिमिटिंग और काइनेटिक तुरंत लिख लेना चाहिए, लेकिन उसको लिखने के लिए म्यू इनटू एन चाहिए, एन की वैल्यू कितनी होगी, 5g। ये बच्चों एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 5g 35 कंपोनेंट्स करके लेंगे, कंपोनेंट 53 डिग्री कर दिया इसलिए 30 न्यूटन आएगी एन की वैल्यू, कर लीजिए फटाफट निकालिए, चलिए देखिए कितना चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, चेक करिए, बहुत आसान सी चीज है, बस दिमाग लगाइए फटाफट करके देख लीजिए सर। 20 एक्सेलरेशन 0।
सर चैट डिसेबल्ड है। चैट डिसेबल्ड है हाँ, डेली डिसेबल्ड ही रहती है। मूव नहीं करेगा बता रहा है भाई, आदित्य कह रहा मूव नहीं करेगा। मूव नहीं कर रहा है तो F is equal to F applied कितनी न्यूटन हो जाएगी। फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के बराबर, दैट इक्वल टू 0.15 न्यूटन। ठीक है, समझ में आने लगा धीरे धीरे सबको कैसे करना है। 15 न्यूटन समझ में आया ना कैसे आया, पहले चेक किया कि क्या अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को कंपनसेट कर पा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली 18 न्यूटन जबकि लगा रहा है कितना 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का जो 18 स्टैटिक लिमिटिंग को क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसलिए नहीं क्रॉस करेगा, तो 15 लग रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 15 ही आएगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, तो पेज थोड़ा साइड में कर लो। एक ब्लॉक रखा हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन। देखो अब मैं सारे के सारे क्रॉस चेक कराने वाला करा रहा हूँ शुरुआत में, हालांकि फॉर्मूला वही रहेगा म्यू इनटू एन, या नहीं चलेगा, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे ये सेटिंग दिमाग में बैठानी है इसीलिए हम इस पर टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो मुझे बताने में फ्रिक्शन बताने में ज्यादा टाइम लगेगा। चैप्टर एफ्टर हमारा लगभग कंप्लीट ही है, कोई ऐसा इशू अब हम लोग के लिए है नहीं, लेकिन हमको फ्रिक्शन की बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है इसलिए मैं फ्रिक्शन की जितने भी ब्लॉक का मास नहीं दिया क्या ब्लॉक का मास, मास की जरूरत ही नहीं होगी। एम ले लो, एम जब कुछ ना दिया वो करे तो एम ले लिया करो, कट जाता है वो, निकालो भाई।
मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। स्लाइड करेगा? हाँ करेगा। एन एम जी कॉस 53 एम जी साइन 53 और फ्रिक्शन पीछे। अब कौन सा फ्रिक्शन है देखना पड़ेगा। एन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू चेक कर लो। एफ लिमिटिंग, एफ काइनेटिक, ये 4/5 है। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.6 इंटू 3/5 एम जी, 1.8/5 0.36 एम जी। ठीक है। एफ लिमिटिंग और एफ काइनेटिक हो गया 2.4 एम जी। कैसे निकाला? म्यू एन करके चेक कर लिया। म्यू इन टू एन तो लिमिटिंग के लिए म्यू 0.6 इन टू एन और काइनेटिक के लिए 0.4 इन टू एन। अब चेक करना है 3.6 एम जी 2.4 एम जी, ये है चलाने वाला फोर्स। कितना है ये? 4/5 एम जी। 4/5 एम जी कितना होता है? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? सो वो 3.6 नहीं 0.36 है ना? हाँ 0.,, वही तो मैं कहूँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 0.36 इज 0.24, ठीक है। 0.236 और 0.24 एम जी चेक कर लो इसको। अब इसको चेक करो 4/5 एम जी कितना हो गया? 0.8 एम जी। 0.8 एम जी 0.36 एम जी से ज्यादा है, स्लाइड कर जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा। तो मैं यहीं लिख देता हूँ कैलकुलेशन। A इज इक्वल टू 0.8 एम जी माइनस 0.24 एम जी बाई एम। एम एम पड़ जाएगा, ये आ जाएगा 0.56 जी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.56 जी। समझ में आया कैसे किया? सिंपल था, कुछ नहीं किया। एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया। एन निकालना बहुत जरूरी है फिलहाल के लिए। स्टैटिक चेक करना पड़ेगा, लिमिटिंग चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी भी है। जो पहले ब्लॉक पड़ेगा उसकी पहले कंपनसेशन होगी उसके लिए, और बाद वाले ब्लॉक के लिए बाद में कंपनसेशन। मान लो तुमने 3 बोगी का डब्बा ले लिया, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी। चलो ये सब तीनों 10-10-10 के ले लेते हैं। तीनों सेम ब्लॉक हैं। म्यू एस इज इक्वल टू 0.3, म्यू के इज इक्वल टू 0.2, ये दे रखा है। ठीक है, इधर से फोर्स एफ लगाया जा रहा है। तीनों के लिए फ्रिक्शन लिखना है। ये एफ वन है, ये एफ टू है, ये एफ थ्री है, और किस नेचर का होगा ये लिखना है। इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ये 30 न्यूटन। एफ लिमिटिंग की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी और एफ काइनेटिक की वैल्यू 20 न्यूटन आएगी। केसेस बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट, एफ बराबर 10 न्यूटन, एफ वन एफ टू एफ थ्री बताना है। चलिए बताइए एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यू। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसी वाली कहानी। एफ वन कितना हो जाएगा भाई? देखो खींचने के लिए 30-30-30, कम से कम 90 से ऊपर फोर्स होना चाहिए, तब तो बॉडी चलेगी। 30 न्यूटन इधर 30 न्यूटन इधर 30 न्यूटन इधर, तो कुल मिला के 90 न्यूटन चाहिए इसको खींचने के लिए। लगाया कितना है? 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन पहले वाले के पास चला जाएगा, इन दोनों पे जीरो आएगा। कई लोग कहेंगे डिवाइड कर दीजिए। नहीं, फर्स्ट कम सोचो ना,
ट्रेन की बोगियां खींचनी है, ट्रेन की बोगियां खींचनी है तो क्या होगा, पहली जो बोगी है उसको खींच लोगे तब जाके दूसरी बोगी की बारी आएगी, तब जाके उसे खींचने की तो हिला लोगे तब तो जाके कहीं दूसरे वाले की बात करोगे। टग एंड वॉर में सबसे पहले आप आगे वाले लड़के की ताकत को कंपनसेट करते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो उसके पीछे वाली इस तरीके से आप वन बाय वन सबके पैरों के फ्रिक्शन को ओवरकम करते चले जाते हैं। हमें पावर फ्रिक्शन ही दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कतार में लगे हुए हैं और चीजों को एक कतार के पीछे एक खींचना चाहते हैं तो हमें अगर बॉडी को चलाना होगा तो पहली बात तो मुझे सारे फ्रिक्शन ओवरकम करने पड़ेंगे। टू मूव बॉडी वन हैज टू ओवरकम ऑल लिमिटिंग फ्रिक्शन। सारे लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन ट्रांसफर वन बाय वन। ठीक है, F बराबर 40 न्यूटन ले लिया। अब F1, F2, F3 की वैल्यू बताओ। खुद सोचना है, खुद बताना है, दिमाग लगा करके। आप बताइए बताइए जल्दी जल्दी आंसर। हे प्रभु। 20-10-0। ठीक है लक्ष्य, 20-10-0 नहीं, बॉडी चल नहीं रही है, 20 तो लगेगा ही नहीं। 20 तो तब लगेगा कहीं पर भी जब काइनेटिक आएगा, 20 तो लगेगा ही नहीं। अरे तीनों चलेंगे तो साथ चलेंगे, अलग अलग कोई नहीं चलेगा। हाँ पूरा ठीक है बेटा, 30-10-0। ठीक है आयुष, 30-10-0। फर्स्ट कम फर्स्ट सर, जब तक 90 से ऊपर नहीं होगा तब तक चलेंगे नहीं, तब तक स्टैटिक ही लगता रहेगा, काइनेटिक नहीं लगेगा, स्टैटिक एडजस्टेबल है। पहले 30 लग गया, बचा हुआ 10 कर गया। F इज इक्वल टू अगर 70 न्यूटन है, अब 30-30-10। F इज इक्वल टू अगर 30 90 न्यूटन है तो 30-30-30। और F अगर 91 न्यूटन है, ओवरकम कर गया तो 20-20-20 और A बराबर हो गया 31/30। देख लीजिए, आगे समझ में। लास्ट वाला चेक करो, देखो कितना फोर्स लगाया है, 90 न्यूटन ओवरकम करना है 91 न्यूटन को, कर दिया। जैसे ही लिमिटिंग को ओवर कर दो, लिमिटिंग क्या है, एक बैरियर है, उसके बाद ही चीजें चालू होंगी, नहीं तो नहीं चालू होंगी, उसके पहले नहीं चालू होंगी। तो 90 न्यूटन पर भी बॉडी चलना स्टार्ट नहीं हुई, उस केस में तीनों पे लिमिटिंग 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 लग रहा था, लेकिन जैसे ही 91 न्यूटन लगा उसने लिमिटिंग को क्रॉस किया, बॉडी चलने लगी। और जैसे ही बॉडी चलने लगी तो कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगी। वो कौन से कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स थे, वो थे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वो कितने न्यूटन के थे, बॉडी है, बॉडी चल दी तो फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक 20-20-20। नेट फोर्स 91 माइनस 60 बाय टोटल मास 30। क्लियर हुआ, ए बराबर 31/30। यस सर, अगेन समझ में, बहुत मुश्किल नहीं है।
कुछ भी ले लो, 100 ले लो, तब ये 100 चल दिया, बस 90 से ऊपर है, 100 है तो ऊपर ही है, चल दिया, 20 20 20, फ्रिक्शन 20 हो गया, नेट फोर्स हो गया 100 - 60, 40/30, एक्सेलरेशन आ गया, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, है ना? यस सर। अभी हम सीधे म्यू इंटू एन वाले क्वेश्चन करेंगे, हम सीधे म्यू इंटू एन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा स्टैटिक का दिमाग में लगा दूं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्या ये सिस्टम चलेगा, क्या ये सिस्टम चलेगा? ये पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए, नेट पुलिंग फोर्स, सिक्सटीन जी माइनस 8g, दैट इक्वल्स टू 8g, 18 न्यूटन। थोड़ा आप लोगों की मदद कर दी मैंने, वैल्यू वैल्यू निकाल करके अब अपना लॉजिक लगाइए और बताइए सिस्टम चलेगा। नेट पुलिंग फोर्स की वैल्यू आ रही 18 न्यूटन, अच्छी समझी, इसलिए मैंने आज ज्यादा डिटेलिंग नहीं, कल से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कराऊंगा मैं फ्रिक्शन के अलग अलग। अभी बस मैं आपको सोचने का वो बता रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या रोल है, बॉडीज नहीं चलेंगी क्यों, मैंने ये वैल्यू निकाली 16 न्यूटन, 48 न्यूटन, 30 न्यूटन, 24 न्यूटन, इसमें से किसी को दिक्कत नहीं है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आ रही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी, तो लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों चेक कर लिया, 0.5 × 20g cos 53 60 न्यूटन, 0.4 × 20g cos 53 48 न्यूटन, 10 वाले के लिए, ये 20 वाले के लिए, ये 10 वाले के लिए वैल्यू लिख दी। अब पुलिंग फोर्स कौन है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है कितने से, 20g sin 53, ये नीचे खींच रहा है 10g sin 53, F1, F2, अब नेट पुलिंग फोर्स आ रहा है 80 न्यूटन और चाहिए कितना 60 + 30 = 90 न्यूटन, नहीं चलेगा, नेट फ्रिक्शन को ओवरकम कर ही नहीं पा रहा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो नेट पुलिंग फोर्स मेरे पास आया 80 न्यूटन, ठीक है, देख लीजिए 80 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स है 60 न्यूटन और 30 न्यूटन, तो कितना लगेगा,
एफ वन बराबर 60 न्यूटन और बचा हुआ एफ टू बराबर 20 न्यूटन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कौन चलाने वाला है? 20 किलोग्राम वाला चलाने वाला, तो पहले ये अपने हिसाब से फ्रिक्शन को एडजस्ट करेगा। इसका 60 न्यूटन ओवरकम हो जाएगा, फिर बचा हुआ जाकर के इधर कंपनसेट होगा। आपको चलाने के लिए 90 न्यूटन चाहिए, लेकिन आपके पास 80 न्यूटन अवेलेबल है, तो 60 न्यूटन इसको मिल जाएगा और 20 न्यूटन इसको मिल जाएगा। दोनों स्टैटिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे? स्टैटिक। ठीक, तो थोड़ा इस पर सोचना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल कल भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे कहीं जाना है थोड़ा सा, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा। धन्यवाद, बाकी कल।